24 न्यूज़ इन इंडिया वेब चैनल के लिए अमीन अहमद की रिपोर्ट। नजीबाबाद नगर पालिका बाबू के खिलाफ वकीलों ने हल्ला बोल, तहसीलदार से उसकी शिकायत की। सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर लाख कोशिश करे लेकिन भ्रष्टाचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। बिना पैसों के सरकारी दफ्तरों में कामकाज होना मुश्किल हो गया है, ऐसे आरोप वकीलों ने नगर पालिका के बाबू पर लगाते हुए तहसील परिसर में जमकर हंगामा काटा। दरअसल नजीबाबाद तहसील में नगरपालिका नजीबाबाद के बाबू इनाम अली पर वकीलों ने भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वकीलों का आरोप है कि रिश्तेदारी में परिवार के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गई महिला वकील ने बाबू ने 1000 रुपये की डिमांड की और डिमांड पूरी ना होने पर कहा कि इतनी फॉर्मेलिटी पूरी कराऊंगा कि जीवन भर चक्कर काटती रहोगी, वरना चुपचाप पैसे देकर अपना काम करा लो। नगर पालिका के बाबू पर भ्रष्टाचार और महिला अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए वकीलों ने तहसीलदार राधेश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब आप लोग क्या चाहते हो? अगर हमारी समाज से यही हल नहीं हुई, इनको बर्दाश्त नहीं किया गया तो हम बिजनौर अपने बार एसोसिएशन जिला बार एसोसिएशन तक इस मामले को लेकर जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ मनामर एडवोकेट। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैं जब गया था बनवाने के लिए उनके पास, उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड करी थी, बाद में फिर उन्होंने फिर माफ़ी वगैरह मांगी थी, मैंने RTI डाल दी थी उनके खिलाफ, तो उन्होंने आके माफ़ी मांगी थी और मेरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। लेकिन मुझे ये पता चला है कि हर किसी के साथ वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं, पैसों के बगैर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करते। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि विभागीय जाँच भी हो और उसको उस सीट से हटाया जाए, किसी और सीट पर बैठाया जाए उसे, विभागीय जांच भी होनी चाहिए। मुझे ये पता चला है कि उसके पास प्रॉपर्टी भी अपनी हैसियत से ज़्यादा है, जितनी सैलरी है उससे 100 गुना प्रॉपर्टी है उसके पास, सारा पैसा जो है रिश्वत का ही इकट्ठा कर रखा है उसने, बस यही चाहिए सर। नाम है आपका? समा परवीन जी, आप लोग जहाँ जो ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि फरवरी से मैंने कागज दे रखे हैं, जब प्रमाण पत्र से मेरे रिलेटिव के हैं, उसके बाद से मुझे चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं और सीधा पैसे मांग रहे हैं। इतने पैसे दोगे ठेका पकड़ लो हमसे तो हम काम हो जाएगा, नहीं तो हम तुम्हें ऐसे परेशान कर देंगे, इतनी फॉर्मेलिटीज लगा देंगे कि तुम चक्कर ही काटते रहो। कौन है जो परेशान कर रहा है? हाजी इनाम अली बैठे हैं नगर पालिका में। अब आप लोग क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि जो बदतमीजी कर रहा है वकीलों के साथ और लोगों के साथ, जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, आम आदमी अगर आता है तो उसके साथ ये क्या करता होगा, इस पद से हटाया जाए। और यही नहीं, 2-4 महीने के लिए हटाया फिर भूला दिया, इसे बिठा दिया, इसे परमानेंटली हटाया जाए।